पिस्टन के बल पर इसमें शादी हुआ, गन दिखाया था उसको कि नहीं करेगा तो पूरा फैमिली कैसे कर देंगे वैसे कर देंगे। वही हल्दी कर सर किया, जबरदस्ती शादी कर दिया। शादी भी हो गया? हाँ, शादी जबरदस्ती वहाँ कर दिया है। तो मड़वा पे गए तो सिंदूर वगैरह कैसे दिया लड़के को? शादी तो बोल रहे कि अब हो गया, जबरदस्ती हाथ ठेल के लेवाया सब। मतलब कि आपके 1% भी मन नहीं? नहीं, 1% भी मन नहीं था। तो हमको मर्जी से खिलाफ है शादी। आप कहाँ थे कल? हम हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोलने के लिए तैयार नहीं है ये, खुदागंज थाना के सहयोग से आपके यहाँ? हाँ वही खुदागंज। मतलब कि खुदागंज पुलिस नहीं होती तो आप यहाँ तक नहीं आते? नहीं आते। हाँ खुदागंज सर ना, उनको नहीं पहचानते? कभी देखे भी नहीं, न गागुआ न भागुआ बेटी चत के तो कहते हैं। पूरा एकदम मतलब कि उलट फेर हो गया है ना? एकदम मैंने उल्टा सीधा हो गया एकदम। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज थाना परिसर में और यहाँ पे एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल कल एक पुनीत बिहार निवासी एक लड़का है, उनका क्या बोलते हैं कि उठौवा शादी हो गया, इसको अपने शब्द में बोल सकते हैं कि उठौवा शादी हो गया। कुछ लोग आए, इनको ले गए और जहानाबाद के किसी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव है मंडई ले गए और वहाँ पर जबरन इनका शादी हो गया। हम इन्हीं से बात करेंगे कि क्या मैटर है, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, इनके मतलब कि मन मुताबिक हुआ या फिर इनके मन के विरोध में हुआ या फिर इनके मतलब कि जो मन है उनके खिलाफ हुआ। हमारे साथ हैं वही शख्स मौजूद हैं जिनका इनके मर्जी के खिलाफ शादी हुआ, उठौवा शादी हो गया। क्या नाम हो भाई साहब आपका सबसे पहले? विकास रंजन। विकास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा मामला बताइए। हम पुनीत बिहार के रहने वाले हैं। हम आ रहे थे साइकिल से गेहूँ पिसा के, पिसाने आते हैं खुदागंज, आते थे डेली दूध लेके। तब आए तो ठेकुवारी के सामने रोड पर। कहाँ पे ठाकुरवारी? ये रामू बाज विष्णु बेचा, विष्णु बगैचा, विष्णु बगैचे। हाँ वहाँ पर गए तो एक आदमी पलहीं से नीचे खड़ा था और रुकाया हमको साइकिल। हम बोला कि जे विजय भगत जी के घर कहाँ है? तो हम कहें कि विजय भगत जी के घर अभी नहीं है, जे घर तो हम बता देंगे कि उधर है, रोड पर है। तो बोला कि जे बता दीजिए अगर नंबर है तो। हाँ नंबर है। तो नंबर देवे लगे तब फिर देखते हैं कि एक गाड़ी से स्कॉर्पियो से आ गया। अच्छा, किस तरफ से? खुदागंज के तरफ से स्कॉर्पियो से आ गया। तो स्कॉर्पियो से आया तो फिर चार पांच को था जो उतरा। हम बोला कि जे विजय भगत जी के घर, विजय हु से हम बोले लगा। स्कॉर्पियो वाला? हाँ स्कॉर्पियो वाला बोला। तो हम बोले कि विजय भगत जी के घर चलिए बताते हैं उधर है, पुनीत बिघा में। हाँ बाकी अभी नहीं है, जे अभी फतुआ गए हैं, जे बिसुआ है कि सराय से नहाने गए हैं। तो बोला कि तो अपना का मम्मी है ना घर पर? तो कहे हाँ घर पर तो मम्मी है। तो मम्मी से मिलाने चलिए, मिलते हैं मम्मी से, आपका बताइए हमको घर कहाँ आपका है। तो वही हमको तो लगा कि दिखाने, अब कहा कि मरीज के दिखाना है। अच्छा, वही बोला कि मरीज के दिखाना है। तो हम बोले कि अच्छा चलिए देख बताते हैं घर। तो वही गाड़ी पर बैठाया तो हमको तो लगा कि हमारा मेरा रोड में घुसाएगा और ले चल गया हुलासगंज रोड में। अच्छा, मतलब कि लेकर के भाग गया? लेके भाग गया। कहाँ लेकर के गया? लेके वो गया मंडल, मंडल मंडई, मंडई कौन सा मतलब कि जहानाबाद जिला के मंडई आपको लेकर के चला गया? हाँ क्यों ले गए और क्या हुआ उस समय आपके साथ? गाड़ी पर तो बैठे तो कुछ बतावे नहीं किया, गाड़ी पर बैठे तो पूछे कि कहाँ ले जाना भैया, बताइए ना बताइए ना। हम फाइटा फाइटे भी किए हैं गाड़ी में, गाड़ी में किए हैं। अब मोबाइल भी छीन लिया हमको, सिम निकाल लिया मोबाइल गाड़ी पर कि फ़ोन करेगा ये चीज़ करेगा। तो किए उतना देर में फाइटा फाइटे खुलासगंज तक हुआ है रास्ता में जाते जाते। उसके बाद उधर हम सन से चले गए। हम पूछे कि कहाँ ले जा रहे भाई? तो बोलता है कि चलो ना हम तुमको कुछ करेंगे तब ना, मारेंगे किडनेप करेंगे कुछ करेंगे तब ना, जे बोलता है। तो हम कहें कि कहाँ ले जा रहे हैं बताए, तैयार नहीं बताया। तो वहाँ तक गए घर पर, वहाँ पहुँचाया तो देखते हैं कि ये आ गया लेके मंडे। तो वहाँ गया तो एक रूम में लेके जाके जहाँ शादी होता हुआ था वहाँ नहीं ले गया, जहाँ दूसरा घर में अनजान रूम में लेके चल गया। तो वो चार पाँच घंटा बैठाया वो रूम में, दूसरा रूम कल हाँ। तो दूसरा रूम में बैठा दिया चार पाँच घंटा। उसके बाद फिर चार पाँच घंटा के बाद आता है और कहता है कि चलो तुमको अब घर पहुँचा देंगे। तो हमको लगा घर पहुँचा देगा, चलते हैं। तो घर बैठे गाड़ी पर फिर अब फिर लेके गया और एक ही तुरी चल गया वहाँ जहाँ शादी हुआ था वहाँ लेके चल गया, जहाँ पे शादी होता है। हाँ तो वहाँ गया तो देखते हैं कि मड़वा उड़वा गड़ाल है।
सब गड़ाल था, तो हम जाइए नहीं रहते घर में, घुसा रहा था हमको, देखे कि मरवा घर रहता, हम नहीं घुस रहे थे घर में, तो जबरदस्ती ढकेल रहा है सब मिल के चार में ढकेल ले गया था आपको। हाँ ढकेल रहा है पूरा, तो हम कह दिए कि जे अभी नहीं करेंगे सर, जब तक हमको परिवार यहाँ नहीं आएंगे जब तक हम नहीं करेंगे कुछ शादी, ये बोल रहे हैं। तो बोला कि जे हम बात करना है, तो कहे हाँ बात करना है, तो फिर बोला कि बात कराएंगे, अब फिर नहीं करा रहा। फिर हल्दी कलसा कर लगा तो हमको उठा के ले जाके मारा पीटा, और हल्दी कलसा जबरदस्ती लगाया, बेहोश हो गए मारे लगा था, मड़वा पर बैठा दिया। हाँ बेहोश कर दिया मार के। अच्छा तो आपके मन मुताबिक हुआ फिर आपके खिलाफ हुआ? आपके खिलाफ हुआ कि मन मुताबिक नहीं हुआ, मतलब कि आप नहीं चाहते थे कि नहीं, नहीं उन लोगों को पहचानते थे जहाँ आपको ले गया था? नहीं उन लोगों को कोई नहीं पहचानते थे, किसी को नहीं पहचानते? नहीं। तो मतलब कि ऐसे ही आपको वो लोग पहचानते होंगे फिर? हाँ वो लोग पहचानते थे, कोई सीआईडी में थे। अच्छा। निरंजन थे, अजीत थे। आप करते क्या हैं? हम आईटीआई कर रहे थे इंटर। अच्छा आईटीआई कहाँ से कर रहे हैं आप? ये बुद्धा इंटरनेशनल से। आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो किसान हैं, विजय कुमार नाम है, और मम्मी रिंकी कुमारी सेविका है आंगनबाड़ी का। कितने भाई बहन हैं आप? दो भाई दो बहन हैं। आज फिर कैसे आप यहाँ तक आए, मतलब कि खुदागंज थाना परिसर में आप कैसे आए, जैसा कि बता रहे हैं कि कल हमको मंडई लेकर के चले गए थे, तो उसके बाद आज कैसे आए? तो वहाँ गए तो यही हल्दी कलसा किया, जबरदस्ती शादी कर दिया। शादी भी हो गया? हाँ शादी जबरदस्ती वहाँ कर दिया है मारा पीट कर, और उसके बाद देखे कि वहाँ से पता लगा कि ओकरी थाना के फौज सब आ रहा है, तो शादी होला के बाद देखते हैं कि लेके हमको गाड़ी पर बैठा के लेके चल गया केमिंग देने, खेत पर देने केमिंग। अच्छा, ट्यूबवेल की तरह? हाँ तो उधर गए तो देखते हैं जे सीआईडी में था निरंजन और अजीत, वो दोनों उधर बैठल था खेत देने, और तीन चार आदमी था उसी गांव के था, बात कर रहा था, तो देखे तो वही सब के था, तो हम गरम उतर गए गाड़ी पर से कूदक गए, उसको मारे भी अजीत को, सेट उट फाड़ दिए हैं आप भी। हाँ उसके बाद वहाँ पर गरम गरम हुए तो वहाँ जाके हमको केबिन में पैक कर दिया, गोड़ हाथ बहन के गुल में अच्छा लगा दिया। अच्छा आपको गोड़ हाथ पैक करके केबिन में पैक कर दिया। फिर उसके बाद आप मतलब कि चाह करके भी हल्ला नहीं कर पाए कि उसको लगा कि आ गया फोर्स हल्ला करेगा, और बाहर से लॉक करके वो अपने चल गया, हमको अकेले छोड़ दिया केबिन में पैक करके। आप कितने भाई बहन हैं? दो भाई दो बहन। दो भाई दो बहन हैं। तो यहाँ तक कैसा है खुदागंज, आपको कौन लाया? खुदागंज हमको ओकरी थाना गए, बोला गया फिर ओकरी थाना में, तो ओकरी थाना गए तो वहाँ से फिर पुलिस हमको लाया थाना, मतलब कि खुदागंज थाना के जो मतलब के अधिकारी हैं बोला। हाँ पुलिस से खुदागंज थाना गए थे ओकरी थाना, तो ओकरी थाना से फिर यहाँ लाए खुदागंज। खुदागंज मतलब कि खुदागंज थाना के सहयोग से आपको यहाँ? हाँ वही खुदागंज, मतलब कि खुदागंज पुलिस नहीं होती तो आप यहाँ तक नहीं आते? हाँ खुदागंज की पुलिस नहीं होती तो नहीं आते। आप परिवार मेरा भी गए थे वहाँ? कौन कौन गए थे, ये थे, क्या नाम है इनका, भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार नालंदा दस की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं हमको अमित जी। अच्छा आप गए थे इनको लाने के लिए, क्या कैसे गए थे, कैसे कैसे इनको ले? हम लोग गए यहाँ से, पहले हम लोग यहाँ अप्लीकेशन दिए खुदागंज थाना में कि मेरा भाई विकास रंजन ये जो दूध लेके आया था सुबह, और सुबह घर पर नहीं लौटा 9 बजे तक, हम लोग यहाँ अप्लीकेशन दिए। यहाँ पर अप्लीकेशन देने के बाद जांच की गई, तर नालंदा में निकला कि केस नालंदा का, तो यहाँ से भी केस हम लोग सर के साथ गए ओकरी थाना के सहयोग से हम लोग गए मंडई में देखें, घर जाकर तो शादी उदी हो गया था, और फिर हम लोग को पता नहीं चला, तो फिर हम लोग रिटर्न मंडई ओकरी आ गए थाना में, तो वहाँ पर सर जितेंद्र सर हैं जो उनके द्वारा मंगवाया गया और ओकरी थाना में, और फिर ओकरी थाना से हम लोग लेकर आए खुदागंज इसको। मतलब कि ओकरी थाना यहाँ के थाना पर क्या बोलते हैं, थाना के कोई पदाधिकारी गए होंगे जितेंद्र जी, जैसा कि बोल रहे हैं जितेंद्र जी के साथ आप गए ओकरी, और ओकरी से फिर वो खुदागंज? हाँ ओकरी से भी खुदागंज लेकर आए। वैसे आप लोग मुकदमा वगैरह भी दर्ज करवाए? हाँ मुकदमा दर्ज हो गया, और ये के पिस्टन के बल पर इसमें शादी हुआ, गन दिखाया था उसको कि नहीं करेगा तो पूरा फैमिली कैसे कर देंगे वैसे कर देंगे मैंने। और अच्छा ये हुआ था? हाँ हुआ था, बताइए आप। और बहुत बात बोलता है कि बहुत सारी लेकिन है वो गांव में, अभी तो टेलर है अभी चालू हुआ है, अभी और होगा लेकिन उठेगा। मतलब कि ये सब बहुत पहले के ज़माने में हम सुना करते थे, दादाजी बताते हैं कि पहले लड़का को उठा ले हले या वो शादी कर दहले बिना मतलब कि बिना मर्जी के, और वही इनके साथ कल हुआ। हम भी सुना करते थे, मेरे भी दादाजी कहते थे, आज हम अपने आँखों से देखे हैं अपना भाई के कि जबरन उठा कर ले गया है। अच्छा क्या नाम बताया था अपना?
विकास जी एक बात बताइए कि जैसे कि आपके मर्जी के खिलाफ हो, जैसे कि आप देख सकते हैं पैर उर एकदम रंगा हुआ है, और विकास जी एक बात बताइए कि जैसे कि आप उस समय मड़वा पे गए, तो मड़वा पे गए तो सिंदूर वगैरह कैसे दिए लड़के को? शादी तो बोल रहे हैं कि आप हो गया, जबरदस्ती हाथ ठेल के ले आया सब, मतलब कि आपके 1% भी मन नहीं? नहीं, 1% भी मन नहीं था। तो अब आगे क्या करेंगे, मतलब कि आप? आगे वो होगा, केस थाना होगा, मतलब कि प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है? प्रशासनिक कार्रवाई होगी। देखिए इनकी माता जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये क्या कहती हैं। माता जी सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? रिंकी कुमारी। रिंकी कुमारी, ये जो आपके बच्चे का शादी हो गया बिना मर्जी के खिलाफ, कैसे देखते हैं आप इस शादी को? क्या हम करेंगे, हम बच्चा को शादी बरसों भी कर लिया, हमको जानकारी नहीं दिया, वो लेके भाग गया। हम बच्ची की शादी करने के लिए कर रहे थे और लेके भाग गया एक भाई। तो हम अच्छा, ये मतलब कि उम्र में क्या है, मतलब सबसे बड़ा है छोटा है कैसे? उम्र में मनु बड़ा है बच्ची। तो पहले आप चाहते थे कि बच्ची का शादी हो, और लेकिन इसका अपहरण हो गया? अपहरण हो गया, शादी भी हो गया? शादी भी हो गया। तो आप लोग गए थे शादी में? शादी में हम हुआ नहीं पहुँचे, हम इधर रह गए थे। मतलब आज गए थे आप? नहीं, कल ही गए थे। कल ही आप गए थे इनके पीछे? हाँ, पीछे पीछे, मनु शादी हो लप के बाद ही हम लोग गए थाना के साथ। अच्छा, थाना के साथ आप लोग गए थे, तो वहाँ पे क्या देखे आप लोग? हुआ तो हम गेवे नहीं किए मड़वा पर थे, हम रह गए इधर। आगे क्या करना है आंटी, मतलब कि अब तो इनका शादी हो गया, आगे क्या क्या आप स्टंट लेंगे, प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, है ना? आप मतलब कि शादी से संतुष्ट हैं या केस करेंगी ना? केस के मुकाबले वकील ले और उस पर फैसला करेंगे, उसी पर ना होगा कार्रवाई। इनके पिताजी हैं ये, हैं दादा? आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार। विजय जी एक बात बताइए कि ये जो लड़का है, क्या नाम बताया अपना? विकास। इनका जो शादी हुआ है, ये आपके मर्जी के मुताबिक हुआ है, फिर आपके मर्जी मतलब की मर्जी के खिलाफ हुआ है? हमको मर्जी से खिलाफ है शादी। आप कहाँ थे कल? हम हाँ हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोलने के लिए तैयार नहीं है ये, इनका मतलब कि लड़का है विकास जी, इनकी माता हैं रिंकी देवी जी, जो कि मतलब कि गंगा। अच्छा, आप कुछ बोल रहे हैं, आप उनके बदले आप ही बोलिए, भाई हैं उनके? हमारे भाई हैं। हाँ, क्या वो मतलब बोल रहे हैं आप? वो गंगा स्नान गए, बेमतलब ही काम हुआ है। मतलब कि आप लोग कोई नहीं चाहते थे कि शादी? कैसे शादी, बातचीत कभी नहीं हुआ सर ना। उनको नहीं पहचानते? कभी देखे भी नहीं, न गागुआ न भागुआ बेटी चित के। तो कहते हैं पूरा पूरा एकदम मतलब कि उलट फेर हो गया है ना? एकदम मैंने उल्टा सीधा हो गया एकदम। हम लोग बच्चे के करेंगे पहले, भतीजे के करेंगे कि हम भतीजा के करेंगे? कौन जो अथी में रहेंगे हम लोग, बच्ची सरेख है और भतीजा के कर दे, कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पे खुदा कानून कार्रवाई किया जाए, मतलब कि जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए होनी चाहिए एकदम। आप लोग इस शादी से संतुष्ट? नहीं संतुष्ट है, दम नहीं संतुष्ट है। इसको रखेंगे नहीं हम लोग, लड़की को कैसे रख लेंगे? हम कभी उसको देखे नहीं, कैसे हम रख लेंगे? नहीं रखेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि थाना प्रभारी है श्रीमंत कुमार सुमन जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने थाना प्रभारी श्रीमंत कुमार सुमन से बात किया, तो उनका कहना है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा इसमें मतलब कि किया जाएगा। हम इस खबर पे आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।